अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं VRNews.in। सभी व्यूअर्स का स्वागत है VRNews में। आपकी खिदमत में फिर एक बार हाजिर है मोहम्मद नईम शेख जी, जो कि एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट है। आज हम बात करेंगे यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार जी के बात करेंगे दिलीप कुमार जी के बारे में, जिनको शहनशाह है जज्बात का लकब भी मिला है। ज़्यादा बात करने के लिए सीधा चलते हैं नईम साहब के पास। लोगों ने समझाया कि वक्त ज़रूर बदलता है, लोगों ने समझाया कि वक्त ज़रूर बदलता है, फिर वक्त ने समझाया लोग भी बदल जाते हैं। यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार, दिलीप कुमार साहब 1980 में शरीफ ऑफ मुंबई थे, वो मुंबई के फर्स्ट सिटीज़न थे, और 25 सितंबर 1953 में खान साहब ने बंगला नंबर 16 पाली हिल बांद्रा वेस्ट मुंबई 50 में दो मंजिला बंगला ख़रीदे थे 1,40,000 रुपये में। और उस टाइम से उस बंगले की स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन खान साहब के नाम पे है। समीर एन भुजवानी, ये नामचीन बिल्डर डेवलपर है, इसकी खान साहब के बंगला नंबर 16 पे नियत खराब हो गई और ये अपने आप को ये जाहिर करता है कि इसके पिताजी ने 1980 में बंगला नंबर 16 खान साहब से महज 25,000 रुपए में खरीदे थे। इस बेवकूफ को यह भी नहीं मालूम कि जो इंसान 25 सितंबर 1953 में 1,40,000 रुपए का बंगला खरीदा, क्या वो महज 25,000 में बेच देगा? समीर भोजवानी कहता है कि उसके डैडी ने 1980 में ये बंगला खान साहब से ख़रीदे, जबकि 1982 में क्रांति पिक्चर आई थी और दिलीप साहब ने, खान साहब ने उसमें लीडिंग रोल किया था, पिक्चर सुपर डुपर हिट हुई थी। तो खान साहब को ऐसी क्या पैसे की शॉर्टेज पड़ी जो इस बेवकूफ़ को बंगला बेचेंगे? ठीक है, समीर भोजवानी बिल्डर डेवलपर, नामचीन बिल्डर डेवलपर, जब इसने 1980 में ये बंगला ख़रीदा तो 2018 तक अपने नाम पे क्यों नहीं किया स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन? ये बात भी गौर करने वाली है। 2003 में खान साहब ने बंगला नंबर 16 ड्यू टू हिज ओल्ड एज एंड सिकनेस खाली किए, क्योंकि ये बंगला खस्ता हालत में था, और वो बंगला नंबर 34 सेम विसिडिटी में गए जो उनकी वाइफ सायरा बानो के नाम पे था, और उस दिन से वो सायरा बानो के साथ बंगला नंबर 34 में रह रहे। सायरा बानो को जैसी पता चला कि ये बिल्डर डेवलपर की नियत 250 करोड़ का जो खान साहब का बंगला है बंगला नंबर 16 पे ख़राब हुई है, इमीजिएटली उसने पुलिस को अप्रोच करी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ और समीर एन भोजवानी इसमें दोषी पाया गया, वो जेल गया। उसने जेल में सरकारी खाना खाया। उस दिन से लेके सायरा बानो हमारे हॉनेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को अप्रोच करी, उस टाइम के चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस को अप्रोच करी और गुहार लगाई कि हमारी मदद करो इस स्कैम में, समीर भोजवानी के स्कैम में हमारी मदद करो। मोदी जी ने अश्योरेंस दिला, लेकिन ड्यू टू हिज टाइट शेड्यूल ही कुड नॉट डू एनीथिंग। और हमारे फडणवीस साहब वो यही कह रहे थे कि ठीक है, भोजवानी को जेल से आने दो, 2-3 महीने में मैं सेटल करता हूँ। अलबत्ता उनकी कुर्सी चली गई, लेकिन उनको टाइम नहीं मिला, ये कपल की मदद करने का टाइम नहीं मिला।
जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंडियन सिनेमा को दी। शहनशाह जज्बात थे, खान साहब शहनशाह जज्बात थे, कई अवार्डों से उनको नवाजा गया है। आज उनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है सिकनेस है, तो ये लल्लू पंजू बिल्डर ये खान साहब को चीट करने जा रहे हैं। 250 करोड़ के बंगले को ये बेवकूफ बोलता है कि मेरे डैडी ने 25,000 रुपये में खरीदे। 25,000 रुपये में 1980 में छोपड़ा भी नहीं मिलता था, मुंबई सिटी में छोपड़ा नहीं मिलता था। इसको 1600 स्क्वायर फीट का बंगला टू स्टोरेज समीर भोजवानी को मिल गया और ये कहता है कि नहीं ये मेरे डैडी ने खरीदे थे, तो तूने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया। चिराग शाह जो एडवोकेट है, खान साहब के जो एडवोकेट है, वो कह रहे आज भी स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन 25 सितंबर 1953 से उनके क्लाइंट खान साहब के नाम पे। मोहम्मद नईम जी, जो कि दिलीप साहब उनकी एज हो गई है, सायरा बानो उनकी एज हो गई है, फिर फिल्म इंडस्ट्री में इनके इतने चाहने वाले हैं, फिल्म इंडस्ट्री ने क्यों नहीं इनके साथ में खड़े रहकर के आवाज़ उठाई। बहुत सिंपल सी बात है, इंसान पे जब वक्त बुरा हो ना तो साया भी साथ छोड़ देता है। ये आज के जो सुपरस्टार है, ये खान ब्रदर्स है, ये नामचीन, ये जो हीरो हीरोइन है, ये काय को खान साहब की मदद करेंगे, ये सायरा बानो की क्यों मदद करेंगे। इनको खान साहब से सायरा बानो से क्या मिलने वाला है, ये अपने फॉलोवर्स को क्यों घटाएंगे। इसलिए आज तक फिल्म इंडस्ट्री के कोई भी नुमाइंदे ने खान साहब और सायरा बानो की कोई मदद नहीं की, जबकि समीर एन भुजवानी 101% रॉन्ग है। इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग ऑफ मुंबई जनवरी 2018 उसके ऊपर FIR बनाए, उसको अरेस्ट करे, उसको जेल में डाले। ये बिल्डर ओपन चीट कर रहा है खान साहब के साथ। इसकी नियत 1600 स्क्वायर फीट के बंगला नंबर 16 डबल स्टोरेज जो इस वक्त डिलैपिडेट कंडीशन में उसके ऊपर खराब है, ये चाहता है उसे ग्रैब कर ले किसी भी तरीके से। मैं मोहम्मद नईम शेख, मैं हर वक्त खान साहब और सायरा बानो की मदद करने के लिए तैयार हूं। नो इनजस्टिस शुड बी हैपन विद देम, दे हैव स्पेंड देयर इंटायर लाइफ फॉर आवर एंटरटेनमेंट। मोदी जी के पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। XCM के पास टाइम नहीं था, कोई बात नहीं, हम पूरी मदद करेंगे। मैंने सायरा बानो का कई वीडियो देखा यूट्यूब पे, वो गुहार लगा रही है। आज उनकी जान को भी खतरा है, खान साहब की जान को भी खतरा है, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं। आप गूगल पे जाके देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। सायरा बानो चिल्ला चिल्ला के कह रही है हमारी जान को खतरा है इस बिल्डर से, एंड इफ एनीथिंग इज हैपन विद दिस ओल्ड एज कपल समीर एंड भुजवानी एंड हिज मेंबर्स कलीग स्टाफ विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। मोहम्मद नईम शेख जी, एक बात पूछना चाहूँगा आपसे मैं, सायरा बानो जी की क्या मंशा है बंगले को लेके, एक दूसरा आपके ख्याल में माजी में किसी एक्टर्स या एक्ट्रेस के साथ ऐसे मामलात कुछ सामने आए? फर्स्ट एट ऑल, सायरा बानो जो है बंगला नंबर 16 को एक म्यूजियम बनाना चाहती है दिलीप साहब की याद में, उनकी मेमोरी में वो म्यूजियम बनाना चाहती है, जो एक अच्छी बात है। न्यू कॉमर जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या मुंबई के ऑडियंस है, सिटीजन्स है, आउटसाइडर है, वो बंगले में जाके देखेंगे और उसमें दिलीप साहब की मेमोरी रहेंगी। नंबर टू, इस टाइप के हैरेसमेंट लेजेंड एक्ट्रेस साधना के साथ भी हो चुका है। यूसुफ लकड़ा वाला बिल्डर था, वो साधना के पीछे हाथ धो के पड़ा। साधना विडो थी, चाइल्डलेस थी, और इसने इतना हैरेस किया, यूसुफ लकड़ा वाला ने इतना हैरेस किया साधना को कि 25 दिसंबर 2015 वो इस दुनिया फानी को छोड़ के चली गई। मैं
सायरा बानो से रिक्वेस्ट करता हूँ, इफ शी वॉन्ट्स एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल हेल्प फ्रॉम एनीबडी, डोंट फॉरगेट मी. माई नेम इज मोहम्मद नईम शेख. माई ईमेल एड्रेस इज info@mpoliticalparty.in. She can approach me. I promise to help her against the said cheater builder, Sameer and Bhojbani, at my level best. It is my promise to all of you. Khuda hafiz. ये थे मोहम्मद नईम शेख जी, जो कि दिलीप साहब और सायरा बानो के बारे में आपने सुना. हमारी भी ये रिक्वेस्ट है सारे व्यूवर्स से और सारे हिंदुस्तान की जनता से, जो कि जानी मानी हस्ती फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप साहब का और सायरा बानो का नाम शुमार होता है इस वक्त में, जबकि मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ, वीआर न्यूज़ को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और आपके जो विचार है, जो सजेशन है, हमारे कमेंट्स बॉक्स में याद से दो. आज इस स्टेज पे सायरा बानो और दिलीप साहब, जो कंडीशन उनकी एज हो गई है, उनके साथ में फिल्म इंडस्ट्री का एक वाहिद शख्स भी उनके साथ में नहीं खड़ा है. तो जनता से हमारी रिक्वेस्ट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि इनके लिए पूरी सिक्योरिटी के साथ में, जैसे कि नईम शेख ने बताया उनकी जान को खतरा है भोजवानी बिल्डर के तरफ से, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चाहिए कि इन दोनों की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.